इंडियन प्रीमियर लीग के नीलामी के साथ हर साल कई नए युवा और उभरते खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट में अपना पहला कदम रखते हैं। बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज चेतन सकारिया भी उनमें से एक है। आईपीएल के ऑक्शन में सौराष्ट्र के इस 22 वर्षीय क्रिकेटर को राजस्थान रॉयल्स ने 1.2 करोड़ रुपए में खरीदा है। आर्थिक तंगी के बीच पले बड़े चेतन के लिए पिछला कुछ समय बेहद कठिन रहा है। दरअसल उनके छोटे भाई राहुल ने इसी साल जनवरी में आत्महत्या कर ली थी। चेतन इस दौरान सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे थे, जिसके चलते उनके परिजनों ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी। चेतन जब टूर्नामेंट खेलकर वापस लौटे तब उन्हें अपने भाई के मौत के बारे में पता चला। सकारिया आईपीएल के पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ बतौर नेट गेंदबाज जुड़े थे। छोटा भाई होता तो बहुत खुश होता। चेतन सकारिया ने बताया कि मेरे भाई राहुल ने जनवरी में आत्महत्या कर ली थी। मैं उस दौरान सैयद मुश्ताक ट्रॉफी में खेल रहा था। घर लौटने से पहले तक मैं यह जानता भी नहीं था कि वह गुजर चुका है। टूर्नामेंट के दौरान मैंने जब भी अपने परिजनों से राहुल से बात कराने के लिए कहा तो वो बहाना बनाकर टाल देते थे। आज मुझे उसकी सबसे ज्यादा कमी खल रही है। अगर वो आज जिंदा होता तो इस बात की खुशी मुझसे ज्यादा उसे होती। टेम्पो चलाते थे पिता। चेतन सकारिया के पिता वर्तेज गुजरात में एक टेम्पो चालक थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी थी। 5 साल पहले तक उनके घर में टीवी तक नहीं था। सकारिया मैच देखने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करते थे। गुरुवार को नीलामी में 1.2 करोड़ रुपए की बोली लगने के साथ ही चेतन को बधाई देने के लिए उनके घर लोगों का तांता लगा हुआ है। चेतन कभी नहीं चाहते थे कि उनके पिता काम करे। उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे पिता काम करे। मैं उन्हें कहता हूं कि आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं परिवार का ख्याल रख लूंगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इतने पैसे का क्या करूंगा। मैं कहता हूं कि पहले पैसे आने तो दो। मैं हमेशा से ही राजकोट में रहना चाहता था, लेकिन अब तक मेरे पास एक अच्छा घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। अब सबसे पहले मैं राजकोट में एक अच्छा घर खरीदूंगा। आईपीएल से जुड़ी और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टोकोफीड एंटरटेनमेंट को।